गुरु की बेटी से बिना मिले सुशील कुमार ने की थी शादी। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बीता सुशील कुमार का 38वां जन्मदिन। जी हां, आपको बता दें कि 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ के निधन मामले में गिरफ्तार हुए ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार इन दिनों क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। 26 मई को उनका जन्मदिन था और वो घर पर होते तो शायद ये दिन उनकी जिंदगी में सुनहरे दिवस की तरह होता, लेकिन उनका ये दिन क्राइम ब्रांच के दफ्तर और चार दीवारों के बीच बीता। बता दें कि इस दौरान वो अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर खूब रोते भी नजर आए। बता दें कि 26 मई 1983 को जन्मे 38 साल के पहलवान सुशील कुमार का नाम अब से पहले बहुत शान से लिया जाता था। आपको बता दें कि एकल स्पर्धा में देश को 2 बार ओलंपिक पदक और राष्ट्रीय मंडल खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक दिलाने वाले सुशील कुमार इन दिनों अपनी जिंदगी में दर्द भरा वक्त गुजार रहे हैं। आपको बता दें कि 4 मई 2021 को सुशील कुमार उस व्यक्ति का नाम हुआ करता था जिसने अपनी मेहनत के दम पर दौलत और शोहरत पाई थी, लेकिन अब यहाँ पर उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब वो एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि सागर धनखड़ के निधन मामले में आरोपी के तौर पर सामने आए हैं। आपको बता दें कि सुशील कुमार की पत्नी सावी सतपाल काफी ज्यादा सुंदर है, सुशील और सुलझी हुई महिला भी कही जाती है। आपको बता दें कि सावी इस साल 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पहलवान महाबली सतपाल की पुत्री है। महाबली सतपाल ही सुशील कुमार के गुरु है जिन्होंने सुशील कुमार को कुश्ती के दाव पेच सिखाए थे और सुशील कुमार के गुरु बनकर सुशील कुमार को आगे बढ़ने का हौसला दिया था। बता दें कि सुशील कुमार के दाव पेच और खेल देखकर उनके गुरु सतपाल महाबली इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी सुशील कुमार से करवा दी। बता दें कि सुशील और सावी की शादी 18 फरवरी 2011 को हुई थी। शादी से पहले सुशील कुमार अपने गुरु के घर ट्रेनिंग के लिए रोज जाया करते थे, लेकिन उनकी और सावी की कभी भी मुलाकात नहीं हुई और ना ही बातचीत। इस बात का खुलासा खुद सुशील कुमार की पत्नी ने ही इंटरव्यू में किया। 16 जुलाई 2012 को इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले मैं और सुशील नहीं मिले थे और ना ही हमारे बीच कोई बातचीत हुई थी। हालांकि मैंने छत्रसाल स्टेडियम में उनकी पहली झलक देखी थी, वो भी काफी दूर से। मैं वहां टेनिस खेलने जाया करती थी और वो वहां पर प्रैक्टिस के लिए आते थे। सावी ने ये भी कहा था कि शादी को लेकर हर लड़की की तरह हर किसी के मन में काफी सवाल होते हैं, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे सुशील कुमार जैसा जीवन साथी मिला। साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशील कुमार ने जब गोल्ड मेडल जीता तभी मेरे पापा ने शादी का निर्णय लिया और हमारी सगाई हो गई। दोनों को शादी से 2 जुड़वा बेटे भी हुए। दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी कि अचानक लाइफ में वो टर्न आया जिसके बारे में शायद सावी और सुशील ने सोचा भी ना हो। खबरों की माने तो सुशील कुमार क्राइम ब्रांच के दफ्तर में काफी ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं, सवालों के जवाब भी काफी धीरे धीरे दे रहे हैं। हालांकि उनसे मिलने उनका भाई भी वहां पर आया था जो खुद को रोक नहीं पाया, तो वहां पर सुशील उसके गले लग कर रो पड़े। फिलहाल क्राइम ब्रांच सुशील कुमार से पूछताछ अभी भी कर रही है। तो ये है पूरी खबर सुशील कुमार और सावी की शादी से लेकर उनकी लव स्टोरी तक। नेक्स्ट लाइव सुरेश की रिपोर्ट।